बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड ईयर केमिस्ट्री। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सेकंड लेक्चर ऑफ चैप्टर 15, सम कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। टॉपिक ऑफ डिस्कशंस आर क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड अमोनिया एज ए फर्टिलाइजर एंड यूरिया एंड पोटाशियम अमोनियम नाइट्रेट। तो अब बेटा आज जब हम पहले इनको शुरू करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स जो है वो बेस्ड ऑन नेचर ऑफ एलिमेंट्स। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स जो इनमें नाइट्रोजन पाई जाती है, फास्फेटिक फर्टिलाइजर जिनमें फास्फोरस पाया जाता है, और पोटाशियम फर्टिलाइजर जिनमें क्या पाई जाती है, पोटाशियम जो है वो पाया जाता है। तो आज जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ किनको डिस्कस करने जा रहे हैं, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो व्हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स आर इम्पोर्टेंट इन एग्रीकल्चरिंग और फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, देर आर सम बेनिफिट्स ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। नंबर वन जो है, दीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स सप्लाई नाइट्रोजन टू द सॉइल। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होंगे, जैसे अमोनिया, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, और ये सॉइल को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। तो नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स, यानी नए स्टेम्स बनाने के लिए, नई ब्रांचेस बनाने के लिए और नए पत्ते बनाने के लिए। नाइट्रोजन इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स। नाइट्रोजन अमीनो एसिड्स में पाया जाता है और अमीनो एसिड प्रोटीन्स बनाते हैं, और प्रोटीन्स जो हैं वो प्लांट्स के सेल मेम्ब्रेन्स और ऑर्गेनेल्स और एंजाइम्स और हार्मोन्स का बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो बहरहाल नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स को ग्रीन कलर भी देता है। अगर सॉइल में से नाइट्रोजन डेफिशिएंसी हो जाएगी तो पत्ते जो है वो पीले होना शुरू हो जाते हैं। हालांकि ये क्लोरोफिल, देखें जो क्लोरोफिल होता है ना, उसमें जो है वो एक पायरोल्स पाए जाते होते हैं, वो नाइट्रोजन के रिंग्स होते हैं कार्बन के साथ। तो फिर जो है वो नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स की इन्हांस द यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स। तो बेटा जी जो है कुछ एग्जांपल्स ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, नाइन एग्जांपल्स आपकी किताब में दी गई हैं। अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट जो कि बेसिक है करेक्टर में, ठीक है ना जी। बड़ा ये अमोनियम जो होती है ना, अमोनियम सल्फेट जो है उसमें अमोनियम जो है वो एसिडिक फर्टिलाइजर है, मैं बताता हूँ अभी। तो कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, इनके अलावा बाकी जितने भी नाइट्रोजन की फर्टिलाइजर्स हैं वो सारी की सारी जो है वो क्या होती हैं, सॉइल को एसिडिक कर देती हैं। देखें बाकी रिमेनिंग ऑल अदर्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका, ऑल अदर्स नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स जो के अमोनिया होगी उसमें NH3 है, ठीक हो गया ना। यूरिया है उसमें NH2 पाया जा रहा है, अमोनियम नाइट्रेट है यानी अमोनियम है। तो वो असल में बात ये है कि ये जो अमोनिया या अमोनियम आइंस जो हैं, ये सॉयल में मौजूद बैक्टीरिया जो हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, वो क्या करते हैं, उस अमोनियम आइन को नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस से गुजारते हैं। किससे गुजारते हैं, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस से। तो जिसमें अमोनियम आइंस को नाइट्रेट आइंस में तब्दील किया जाता है, तो जैसे मिसाल के तौर पर ये 2NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया है, और उसके साथ साथ जो है वो 4 हाइड्रोजन आइंस और 7 जो है वो 2 वाटर। तो ये हाइड्रोजन आइंस जो है वो सॉइल को क्या बना देंगे, एसिडिक। सॉइल को क्या कर देंगे, एसिडिक। तो ये नहीं कर सकते क्योंकि इनमें नाइट्रेट खुद मौजूद है। इनमें क्या मौजूद है, नाइट्रेट खुद मौजूद है। बाकी वो तमाम नाइट्रोजन की फर्टिलाइजर जिनमें अमोनिया या अमोनियम आयन मौजूद है, वो सॉइल सोल्यूशन को एसिडिक इसलिए कर देते हैं क्योंकि वहां पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम जो है वो उस अमोनियम आयन्स को या अमोनिया को नाइट्राइट
नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में तब्दील कर देते हैं। ये मैंने एक समरी इक्वेशन लिखी है, पूरा मैकेनिज्म बहुत लंबा चौड़ा है, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से जो है वो सारे सोल्यूशन स्टिक हो जाते हैं। तो बेटा जी बहरहाल ये 9 एग्जाम्पल्स हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम साइनामाइड, अमोनिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम अमोनियम क्लोराइड और यूरिया। तो अब एग्जाम्पल्स के बाद हम शुरू करते हैं, पहली नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, अमोनिया एज ए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, अमोनिया एज ए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। तो पहले इसके फीचर्स, ये वाहक फर्टिलाइजर है जो कि लिक्विड स्टेट में इस्तेमाल की जाती है, लिक्विड स्टेट में वाहक, बाकी तमाम जितने नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स हैं वो सॉलिड स्टेट में इस्तेमाल की जाती हैं। इस अमोनिया को मजीद प्रोसेस, केमिकली प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एप्लीकेशन हम इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं सॉइल में। तो इसके और ये सबसे ज्यादा परसेंटेज बाई वेट इसमें पाई जाती है, 82% नाइट्रोजन अमोनिया में पाई जाती है बाई वेट, वो आपने फर्स्ट ईयर में परसेंटेज कंपोजिशन वाले फार्मूले पढ़े हुए हैं, ठीक हो गया ना जी। इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इट इज इंजेक्टेड 6 inches डीप इनटू द सॉइल टू अवॉइड अंडर द सर्फेस ऑफ द सॉइल टू अवॉइड इट्स सीपिंग आउट, के ये बाहर ना चले जाए, क्योंकि ये एक लिक्विड है, ये वोलाटाइल है, ये वेपोरेट हो सकती है। तो इसको होल्स बना दिए जाते हैं 6-6 इंच के और उसमें फिर इसको इंजेक्ट किया जाता है। बेटा जी अगली फर्टिलाइजर जो है वो हमारी कौन सी है जी, यूरिया। तो देखिए अमोनिया के टॉपिक के अंदर जो है वो लिखा हुआ है, ऑल द नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स एक्सेप्ट कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो मेक द सॉइल एसिडिक, वो मैंने आपको पहले थर्ड क्वेश्चन अलहदा करवा दिया है, ठीक हो गया ना जी। अब यूरिया को स्टार्ट करते हैं, कि यूरिया फर्टिलाइजर जो है सबसे पहले उसके ना फीचर्स, यूरिया जो है वो एक हाई क्वालिटी की नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, इट कंटेन्स और तमाम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स में जो कि सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं उनमें सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड यही है, क्योंकि इसमें बाकी तमाम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन की परसेंटेज कम होगी, लेकिन यूरिया के अंदर जो है ये सॉलिड स्टेट में कंसेंट्रेट 46% नाइट्रोजन बाई वेट पाई जाती है। और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वाइडली यूज होने वाली नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो है कौन है वो यूरिया ही है जी। तो फीचर्स के बाद जब इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है उसको डिस्कस करते हैं, इसके पहले जो है वो इसकी केमिस्ट्री में आपको बेसिक समझा दूं, केमिस्ट्री में इसका क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस को एक रिएक्शन चैम्बर में जो है एक रिएक्शन टावर में जो है वो मिक्स किया जाता है। तो उससे जो है वो पहले असल में अमोनियम कार्बामेट बनता है, फिर अमोनियम कार्बामेट को जब हीट किया जाता है ना कि वो डिकम्पोज हो जाता है, असल में उसमें डिहाइड्रेशन हो जाती है और उसके नतीजे में यूरिया बनता है और साथ वाटर। तो ये जो यूरिया है जब बनेगा तो साथ वाटर पैदा भी होना है, तो इसलिए डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। तो उस यूरिया को जो है वो पहले फिर एवेपोरेट किया जाता है। इसके स्टेप्स आगे किताब में कुछ ये लिखे हैं, पहले स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये हाइड्रोजन किस लिए, बेटा जी हमने फर्स्ट ईयर चैप्टर 8 में पढ़ा था कि नाइट्रोजन तो हमें 78% बाई एयर में मिल जाती है, ठीक है ना जी। हमें क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। तो उससे रिवर्सिबल प्रोसेस से हमें क्या मिलती है, अमोनिया गैस मिलती है। तो ये इसको बैलेंस हम कर लेते हैं इस तरह से, ठीक हो गया ना जी। तो इसलिए प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उनको, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को मिक्स करना है। तो प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया दूसरा स्टेप आपके सामने ये मैंने लिख दिया है कि पहले आप हाइड्रोजन लेके आएंगे, पहले आप हाइड्रोजन लेके आएंगे और फिर एक स्टेप हो गया, दूसरे स्टेप में आप क्या क्या तैयार करेंगे, अमोनिया तैयार करेंगे, फिर तीसरे में जो है प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट, ये आपका तीसरा स्टेप आ गया। चौथे में जो है वो उसकी क्या करनी है, प्रिपरेशन ऑफ यूरिया यानी उसकी कंडेंसेशन करनी है, और कंसंट्रेटेड यानी कंसंट्रेशन कंडेंसेशन एक ही बात है, और फिर प्रिलिंग उसके ग्रेन्स बनाने हैं। तो बड़ा जी प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट गैशियस कार्बन डाइऑक्साइड इज मिक्स विद अमोनिया इन ए वॉल्यूम रेशियो ऑफ 1:2:2, इसमें ये वाला जो है 1:2 रेशियो में जो है इसको मिक्सअप करना है। तो इन्हें रिएक्टर टू प्रोड्यूस अमोनियम कार्बामेट,
तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो रेशियो होगी वो, यानी एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए दो अमोनिया, एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए दो अमोनिया जो है के मॉलिक्यूल होने चाहिए डबल। अगर एक लीटर कार्बन डाइऑक्साइड है तो दो लीटर अमोनिया इस्तेमाल करें। प्रिपरेशन ऑफ यूरिया, डिहाइड्रेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये तीसरा स्टेप आ जाएगा आपका, ठीक है ना जी। डिहाइड्रेशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट गिव्स यूरिया, तो ये रिएक्शन आपके सामने है। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया सॉल्यूशन, उसकी कंसंट्रेशन कैसे करनी है, तो ये हमारा यूरिया सिंथेसिस में आ जाएगा। द यूरिया सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड इन एवेपोरेशन सेक्शन वेयर वाटर इज एवेपोरेटेड बाय हीटिंग विद स्टीम। वाटर को जो है वो गर्म करेंगे स्टीम के साथ, तो यानी कि वो यूरिया सॉल्यूशन को स्टीम से गर्म करेंगे, तो वो स्टीम जो है वो तो खुद वोलाटाइल है, लेकिन वो उसमें मौजूद जो यूरिया के सॉल्यूशन में मौजूद जो वाटर होगा उसको भी वेपोरेट कर देगी। तो इस तरह से जो है स्टीम विद अंडर वैक्यूम लो प्रेशर में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो वेपोरेट हो, इन टू वेपोरेशन स्टेज दो मरतबा इसको गुजारना है। तो इस तरह से करने से क्या हो जाएगा, 99.7 सॉल्यूशन के अंदर 99.7% यूरिया रह जाएगा और 0.3% क्या रह जाता है, वाटर रह जाता है। लेकिन ये जो 99.7% यूरिया हासिल होती है वो मेल्ट की सूरत में हासिल होती है, यानी मोल्टन फॉर्म में हासिल होती है। फिर हम उसको जो है वो किधर भेज देते हैं, टू स्टेजेस के बाद प्रीलिंग में भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं, प्रीलिंग में। तो प्रीलिंग कैसे की जाती है, मैं वीडियो भी साथ आपको एक छोटी सी भेजूंगा अगर मुझसे डाउनलोड होगी तो। द मोल्टन यूरिया इज स्प्रेड एट द प्रीलिंग टावर बाई मीन्स ऑफ प्रीलिंग बकर वेयर इट इज कूल्ड बाई एयर राइजिंग अपवर्ड, ठीक है ना जी। तो मोल्टन यूरिया जो है ना उसको ऊपर से स्प्रे करवाया जाता है, उसको ऊपर से फेंका जाता है और नीचे से जो है वो कूल्ड एयर को जो है ना वो एक ऊपर को फेंका जाता है। तो वो जो मोल्टन एरिया है वो क्या होती जाएगी, मोल्टन यूरिया नीचे को आती हुई ठंडी होती हुई वो सॉलिड में तब्दील होती जाएगी, लेकिन एयर प्लांट्स उस सॉलिड के जो है वो ब्रीफ ब्रीफ से क्या बना देंगे, ग्रेन्स, जिन्हें हम प्रिल्स कहते हैं। तो मोल्टन ड्रॉपलेट्स कॉल्ड प्रेल्स सॉलिडिफाइड इनटू इन द फॉर्म ऑफ प्रेल्स, तो ब्रीक ब्रीक दाने बन जाते हैं यूरिया प्रेल्स, दस प्रोड्यूस्ड आर आइदर सेंड टू द प्रिल यूरिया जो है वो बड़े गोदाम में वैसे के वैसे, या फिर जो वो थैलों में पैक कर दिए जाते हैं, तो ये काम किया जाता है। तो बेटा जी अगली जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है वो है अमोनियम नाइट्रेट जी। तो बेटा जी पहले जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन छोटा सा कर लें, एडवांटेजेस ऑफ प्रीलिंग, फिर उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट को देखते हैं। तो प्रीलिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, यानी कि अगर हम किसी फर्टिलाइजर्स को प्रिल्स बनाकर इस्तेमाल करते हैं तो उसके तीन फायदे हैं। एक तो प्रीलिंग फ्री ऑफ डस्ट, वो जो ग्रेन्स होते हैं जिन्हें हम प्रिल्स कहते हैं वो फ्री ऑफ डस्ट होते हैं, ईजी टू हैंडल, उनको किसी थैले में डालना या उनको किसी बर्तन में डालना या किसी बल्क स्टोरेज करना, ये उसको यानी कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना बहुत आसान है। तीसरा उनको स्प्रेड करना, मुट्ठी भर के जो है वो खेत में फैलाना या मशीन के जरिए से उनका शावर करना जो है वो ज़्यादा इजी है। तो अब बेटा जी अमोनियम नाइट्रेट की तरफ आते हैं। अमोनियम नाइट्रेट के पहले फीचर्स का देते हैं, ये वो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है सॉलिड स्टेट में पाई जाती है जिसमें 33.35% जो नाइट्रोजन बाई वेट पाई जाती है। ये नाइट्रोजन बहुत यूजफुल है, बस एक्सेप्ट सवाए किसके, पैडी राइस के, पैडी राइस फील्ड जो है उनमें इसका इस्तेमाल सही नहीं है, बिकॉज माइक्रोबियल बैक्टीरिया इन फ्लडेड फील्ड्स, क्योंकि चावल के खेत में पानी खड़ा रखा जाता है क्योंकि उसको पानी ज़्यादा चाहिए होता है, क्रॉप जो राइस प्लांट्स होते हैं तो इसलिए उनको ज़्यादा पानी दिया जाता है, तो पानी इतना दिया जाता है कि वो पानी जो है वो सॉयल की सतह से ऊपर, ये अगर मिसाल के तौर पर ये मिट्टी के ज़रात हैं, ठीक है ना जी, ये सॉयल है, तो पानी जो है वो सॉयल की सतह से ऊपर खड़ा हुआ होता है, ये सारा वाटर ऊपर मौजूद है, तो जहाँ पानी मौजूद होता है वहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, जहाँ पे पानी मौजूद होता है वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं, तो फिर वहाँ पे जो है वो बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं, इसी अमोनियम नाइट्रेट को डिकम्पोज कर देते हैं किसमें, नाइट्रोजन में और हाइड्रोक्साइड आयंस में, ठीक है ना जी, तो और ऑक्सीजन में, ये मैं इसको बैलेंस शायद ना कर पाऊँ लेकिन बहरहाल एक आइडिया है,
इस तरह से ना उसको नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में उसको डिकम्पोज कर देते हैं O2 में। तो ये तो कौन इस्तेमाल कर लेंगे, बैक्टीरिया यूज कर लेंगे इस ऑक्सीजन को, लेकिन ये नाइट्रोजन किस में चले जाएगी, ये नाइट्रोजन जो है वो ऊपर मौजूद एयर में चले जाएगी। लेकिन हमारा जो नाइट्रेट है उसका नुकसान तो हो गया, वो तो इस्तेमाल हो गया। तो इसलिए जो है क्या जी कि ये पैडी राइस में यानी चावलों के लिए राइस प्लांट्स राइस क्रॉप्स के लिए जो अमोनियम नाइट्रेट की फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना सही नहीं होगा, तो डिकम्पोज इनटू नाइट्रोजन गैस इट इज़। इसका अगला फीचर जो है कि यूज इन कॉम्बिनेशन विद लाइम, क्योंकि ये एक बेस एसिडिटी पैदा करती है, तो इसलिए चूने के साथ कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिक्स करके जो है इसको इस्तेमाल करना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो और ये अपनी नेचर में हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, मॉइस्ट एब्जॉर्बिंग। तो बेटा ये इसकी केमिस्ट्री कैसे है कि अमोनिया और नाइट्रिक एसिड को आपस में रिएक्ट करके अमोनियम नाइट्रेट तैयार किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, ये बेस है और ये एसिड है, एसिड बेस के नतीजे में साल्ट बन रहा है, ठीक हो गया ना जी। तो बेटा जी आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन दी वाटर इज वेपोरेटेड, जो वाटर पैदा होगा उसको वेपोरेट किया जाएगा, तो इस तरह से सोडियम अमोनियम नाइट्रेट की क्रिस्टल्स मेल्टेड फॉर्म में हमें हासिल होंगी, एंड देन सेपरेट डाउन फ्रॉम इट ऑल टॉवर टू मेक प्रिल्स, द फॉलोइंग ड्रॉपलेट्स आर ड्राइड बाय एन अपवर्ड करंट ऑफ एयर, फर्टिलाइजर्स आर सॉलिडिफाइड एज टाइनी हार्ड पैलेट्स कॉल्ड प्रिल्स। तो प्रिल्स के एडवांटेजेस मैंने आपको पहले बता दिए हैं, प्रिल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर फ्री ऑफ डस्ट, इजी टू हैंडल एंड इजी टू स्प्रेड ऑन द फील्ड। बट अभी कोई भी सवाल हो जरूर पूछें, ठीक है ना, अल्लाह ताला हम सबका मददगार हो, आमीन, शुक्रिया।